भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 106 टेस्ट मैच खेले गए। इन मुकाबलों में केवल एक मैच टाई रहा है। ये मैच चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में सितंबर 1986 में खेला गया था। 36 साल पहले हुए इस मुकाबले ने रोमांच की सारी हदें पार कर दी थी। हालत ये थी कि पहली पारी में विशाल अंतर से पिछड़ने के बावजूद भारतीय टीम ने आखिरी दिन मुकाबले में जान डाल दी थी। ये मुकाबला भारतीय टीम जीतने के करीब पहुंच गई थी, लेकिन बदकिस्मती से ये मुकाबला टाई हो गया था। 1986 के उस दौर में ऑस्ट्रेलिया की कमान एलन बॉर्डर के हाथों में थी और भारतीय टीम की कप्तानी कपिल देव कर रहे थे। सीरीज का ये पहला ही मुकाबला था जो चिपॉक के मैदान पर खेला जा रहा था। यहाँ ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी थी। कंगारू टीम ने पहले खेलते हुए डेविड बून 122 रन, डीन जॉन्स 210 रन और एलन बॉर्डर 106 रन के शतकों की बदौलत 7 विकेट खोकर 574 रन पर पहली पारी घोषित की थी। भारत की ओर से केवल शिवलाल यादव कामयाब गेंदबाज रहे थे, उन्होंने 4 विकेट झटके थे। ऑस्ट्रेलियाई पारी के बाद यहां भारतीय बल्लेबाजों ने भी दमखम दिखाया। श्रीकांत 53 रन, अजुरुद्दीन 50 रन, रवि शास्त्री 62 रन के अर्धशतकों के साथ ही कप्तान कपिल देव ने तेज तर्रार शतक 119 रन जड़ डाले। भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में 397 रन बनाए थे। यहां पहली पारी के आधार पर ऑस्ट्रेलिया की टीम को 177 रन की विशाल लीड मिल चुकी थी। अच्छी खासी बढ़त मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी मात्र 170 रन पर घोषित कर दी थी। दरअसल उस दौर में टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा रन का लक्ष्य हासिल करना इतना आसान काम नहीं था। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारतीय टीम को 348 रन देकर निश्चित हो गई थी, लेकिन यहां भारतीय बल्लेबाजों के तेज तर्रार खेल और दमखम भरी पारियों ने ऑस्ट्रेलिया को चिंता में डाल दिया था। यहां श्रीकांत ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू की। श्रीकांत 39 रन बनाकर आउट होने के बाद सुनील गावस्कर ने मोहिंदर अमरनाथ के साथ शतकीय साझेदारी कर भारत को जीत की राह दिखाई। अमरनाथ 51 रन और गावस्कर 90 रन बनाकर आउट हुए। इनके बाद मोहम्मद अजुरुद्दीन 42 रन, चंद्रकांत पंडित 39 रन और रवि शास्त्री 48 रन ने भी लाजवाब पारियां खेली। चंद्रकांत और रवि शास्त्री का स्ट्राइक रेट तो 100 प्लस था। ऐसे में भारतीय टीम लगभग जीत के कगार पर पहुंच चुकी थी। भारतीय टीम को एक टाइम पर जीत के लिए मात्र 17 रन की दरकरार थी और उसके पास 4 विकेट बाकी थे। यहां चेतन शर्मा 23 रन का विकेट गिरा, बैक टू बैक उसके बाद विकेट गिरने लगे। आखिर में भारत को जीत के लिए 1 रन की जरूरत रह गई थी और उसके 9 विकेट गिर चुके थे। यही मनिंदर सिंह LBW दिए गए और ये मुकाबला टाई हो गया। इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे रोचक मुकाबलों में शुमार किया जाता है।